हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टॉक्स। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं कई सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताती हूँ, ऑटोकैड, 3ds मैक्स, वीरे, फोटोशॉप, स्केचअप। ओके, अभी तक के वीडियोस में मेजोरिटी ऑफ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी हैं ऑटोकैड के वीडियोस में। तो अब मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो मिसलेनियस हैं, जो कभी कभार काम में आ सकती हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सुपर हैच। सुपर हैच बनाने के लिए पहले एक मैं ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। अब मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया। सुपर हैच मतलब इसके अंदर कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है तो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्सप्रेस टूल है, हम लोग यहाँ से भी सुपर हैच ले सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं सुपर हैच। यहाँ पे इमेज, ब्लॉक, एक्स रेफ पॉइंट कुछ भी ले सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर इमेज लेती हूँ। अभी सपोज़ मैंने ये पिक ले ली, ओपन। तो अभी ये पूरा पाथ कहाँ पे है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, स्केल का, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है। ओके कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिया। अभी ये स्केल करने को पूछ रहा है क्योंकि अभी फिट करना है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे ही रख के ऐसे एंटर कर दूँ, अभी स्केल वैल्यू सपोज़ मैंने 1 लिया, एंटर, तो अभी इसके हिसाब से हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट एक्सेप्टेबल है तो यस कर दो और अंदर क्लिक एंड एंटर। तो ये देखो, ये बाकी एरिया बच जाएगा। तो हम लोग इसको वापस से करते हैं एक बार। सुपर हैच, इमेज लिया, एक ले ली, ओपन, ओके, और इधर क्लिक कर दिया। देखो इंसर्ट पॉइंट लेना है, अभी वही है स्केल का। अभी ऐसे देखो लिख रहा है कि थोड़ा बराबर, तो क्लिक कर दो यस, तो वो उस हिसाब से आ जाएगा, वो स्केल नहीं लेगा। बट अगर स्केल वाइज करोगे तो वो उस हिसाब से होगा। बट हम लोग बिना स्केल के भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सुपर हैच कैसे कि एक बोनस टाइप में है, इसका कोई स्पेसिफिक करने में ना थोड़ा सा एक्चुअली टाइम लगता है। तो जिस हिसाब से मेरा ऑब्जेक्ट हो उस हिसाब से पिक्चर हो तो अलग होता है। टू कर दिया, अब देखो 2 times स्केल हो गई। यस, तो इसके अंदर ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो सुपर हैच थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अपने हिसाब से जैसे भी है वो यूज़ कर सकते हो। दूसरी पिक्चर लोगे तो दूसरे हिसाब से होएगा। अभी रोटेशन करना रहेगा तो इसको भी ऑन कर सकते हो, स्केल तो ऑलरेडी हो ही रहा। अगर स्केल नहीं करोगे तो क्या होगा, ये देखो सिर्फ जितना है वो उतना ही आएगा। इसके लिए स्केल करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी ये इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कैसे स्केल। देखो ये पिक्चर के हिसाब से डिफरेंट जा रहा है क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि लास्ट पिक्चर के हिसाब से डिफरेंट है, अभी ये डिफरेंट है ऐसे। ठीक है, ऐसे इसमें ब्लॉक्स वगैरह भी लगा सकते हो। ओके, तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हो, वरना ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, वीडियो अच्छा लगा है कि कुछ डिफरेंस बन सकता है इस वीडियो से, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। और अगर नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, मेरी एक नॉवल है, ये इंस्पिरेशनल है, रोमांस है, के पॉप है, ये जो है हर जगह अवेलेबल है, गूगल बुक्स पे भी है और बहुत इजी प्राइसेस में है, हर जगह इसके सैंपल अवेलेबल है। देखो अच्छी लगे तो ले लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।